इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बेऊर जेल में। आप ये देख सकते हैं, आप उनका दृश्य देख सकते हैं। और जैसा कि अभी झूठा खबर जो अफवाह फैला रहे हैं कि मनीष कश्यप निकल चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष कश्यप अभी तक नहीं निकले हैं। सभी लोग जो हैं, सभी समर्थक जो हैं, वो इनका इंतजार कर रहे हैं कि कब मनीष कश्यप निकलेंगे, तो हम मनीष कश्यप से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे कैमरामैन से फोकस करने के लिए कितने समर्थक जो हैं, कितने पत्रकार बंधु जो हैं, कितने भाई बहन जो हैं, वो किस प्रकार जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं मनीष कश्यप कब निकलेंगे, तो हम मनीष कश्यप से मुलाकात करेंगे। लेकिन झूठी खबर के अफवाह में आप लोग ना पड़े। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़ारा, और चलिए यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। मनीष कश्यप के देख सकते हैं समर्थक मिले हुए हैं, और जैसा कि देख सकते हैं पटना जेल के आगे में है। क्या कुछ कहिएगा मनीष कश्यप के बारे में? आज मैं बहुत खुश हूँ भैया बाहर आने वाले हैं, और हमारे बिहार के लाल और हमारे बिहार के शेर बाहर आने वाले हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है आज जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, क्या सही में जेल से बाहर नहीं निकलेंगे क्या? नहीं, आज तो आना है भैया को। 100% श्योर है मनीष कश्यप आज बाहर निकलेंगे? हमें तो उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। एक सवाल रहेगा, देखिए हम हालांकि ये सवाल रहेगा कि इतने समर्थक जो है मनीष कश्यप के, हालांकि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए वो समर्थक ही होंगे, क्या ऐसी मनीष कश्यप करके चले गए थे 9 महीना जेल में कि अभी तक मनीष कश्यप के लोग मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे थे? ये हमारे यूपी बिहार, हमारे बिहार के पब्लिक का प्यार है जो मनीष भैया को इतना मतलब प्यार कर रहे हैं, और मनीष भैया से उम्मीद है, पूरे बिहार को उम्मीद है। अगर मनीष भैया को एक मौका मिलेगा तो पूरे बिहार के लिए कुछ ना कुछ जरूर। एक सवाल रहेगा कि मनीष कश्यप को, जैसा कि बता रहे हैं कि अगला सीएम जो है वो मनीष कश्यप ही बनेंगे, क्या सही में मनीष कश्यप सीएम बनने के लायक है या बनेंगे? बिल्कुल सही है। अगर हमारे बिहार के जनता जनार्दन लोग अगर सपोर्ट करेंगे मनीष भैया को, अगर मनीष भैया को सपोर्ट करेंगे हमारे बिहार के जनता लोग, तो ज़रूर मनीष भैया सीएम बनेंगे, और सीएम बनने के लायक भी हैं मनीष भैया। एजुकेशन भी है और टैलेंट भी है, और उतना है कि मनीष भैया को अगर मौका मिलेगा तो मतलब बिहार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे मनीष भैया। आप जो है कहीं ना कहीं गाना भी गाते हैं, मनीष कश्यप के ऊपर गाना भी गा के 2-4 लाइन किसी को सुनाए हैं, तो वो गाना जो है गुनगुनाएंगे आप? मनीष भैया के लिए आज से ही नहीं, बहुत पहले से गाना गा रहे हैं, काफ़ी वायरल भी हुआ था, और आज तो बाहर आने वाले थे भैया, तो हम काफ़ी टाइम निकाल के आए हैं आज भैया के साथ। सॉन्ग ऐसा है, मनीष भैया हुए बिहार के शान हो कि उनका से आस लागल बा, मनीष भैया हुए बिहार के शान हो कि उनका से आस लागल बा, कि उनका से आस लागल बा हो, भैया हुए गरीबन के जान हो कि उनका से आस लागल बा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। ये देख सकते हैं मनीष कश्यप के इतने बड़े फैन मिल चुके हैं कि जिनका मतलब कि कोई जवाब ही नहीं है। क्या और भी कोई गाना है जो कि आप सुनाएंगे दर्शकों? फिलहाल अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत देर से ये भैया जो है वो गाना गाए हैं। ये देख सकते हैं इतना गाना गाया है कि मतलब कि आवाज़ जो है कहीं ना कहीं आवाज़ फंस चुका है। चलिए कैसे बंधु से मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि अपने सीने पे जो है मनीष कश्यप का टैटू बना चुके हैं। आइए ब्रजेश जी से मिलाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं यही वो शख्स है, और मनीष कश्यप के इतने बड़े फैन हैं कि मनीष कश्यप को अपना गुरु मान बैठे, और मनीष कश्यप का जो है कहीं ना कहीं सीने में जो है वो छाप जो है वो कहीं ना कहीं टैटू बनवा चुके हैं। माता पिता का नहीं, भगवान का नहीं, कोई एक्टर डायरेक्टर का नहीं, लेकिन मनीष कश्यप कौन ऐसे लोग थे जो कि मनीष कश्यप के लिए ये अपना टैटू लिखा लिए हैं, क्या ऐसी वजह है? पहले सबसे पहली बात तो आप सुन लीजिए कि आप बार बार आप क्या बोले कि मनीष भैया कौन से ऐसे लोग थे, इसमें कोई बोलने एक चीज बोला था हमारे। हाँ।